अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आज हमारा खाने का मूड हुआ तो हम निकले अपने घर से और देख रहे हैं कि क्या खाएं। अचानक से बासिल कहते हैं मरी जाती, तो अब हम जा रहे हैं मरी की तरफ कि लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, मौसम भी देख लेंगे और वहीं कुछ खा लेंगे। तो हम जा रहे हैं मरी और यही हम करीना चौक से होते हुए आ गए जाएंगे बारह बाईपास पे और आगे आएगा बारह बाईपास। अब आ गया है बारह बाईपास, तो ये दूसरी रोड जो राइट पे जा रही है ये बारह सिटी जा रही है एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स बारह बाईपास। हम आ गए हैं बारह बाईपास पे और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पहले हम जाते थे बारह से होके और बारह फुल बाज़ार में अच्छा खासा रश और ट्रैफिक जाम होता था, जिसकी वजह से मरी जाते हुए हम अक्सर स्टक हो जाते थे, हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। तो लेकिन इस बाईपास की वजह से हम बिल्कुल रश से बाहर निकल के और बाहर ही, तो ये बहुत अच्छा है और सेफ भी है। लेकिन हम जाएंगे मरी एक्सप्रेसवे पे, मरी ओल्ड रोड पे नहीं जाएंगे। आपको व्यू नजर आ रहे हैं बारह सिटी का, और हमने सारा रश ऊपर से ऊपर क्रॉस कर लिया। ये फ्लाई ओवर है, अभी इससे गुजर के हम जाएंगे एक्सप्रेस वे पे और फिर रास्ते में ऐसे व्यूज आपको नजर आते रहेंगे। ट्विंकलिंग हो रही है सही इसकी। और ये मरी के जो एक्सप्रेसवे पे होटल्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अब हमारे लेफ्ट साइड पे सेकंड कप चाय खाना, और हम मोस्टली इस्लामाबाद में भी एशियन वॉक जाते हैं, हम यहाँ भी एशियन वॉक ढूंढ रहे थे। ये है हबीब में, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 500 एशियन वॉक ही हमारी लास्ट चॉइस होती है। देखते हैं आगे अगर हमें कोई अच्छी ऑप्शन और मिली, और फिर वही व्यू हमारे लेफ्ट साइड पर। मज़े की ट्विंकलिंग होती है ना इसमें। और ये आ गया मैकडॉनल्ड्स। बर्गर तो खाना नहीं है क्योंकि बर्गर से तो हमारा दिल ही वो हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद आते हुए और फैसलाबाद जाते हुए हम मोस्टली बर्गर ही खाते हैं। तो बर्गर हमारी आजकल वो वाली है, ज़रूरत वाला सीन है। मतलब अब ये कोई आर्मी की जगह
और यहाँ से आगे ये रोड टोपा की तरफ ये रोड जा रही है आगे जो, लेकिन हम वापस यू टर्न लेंगे। कौन सी एशियन वॉक का ये बोर्ड हमें नजर आया 1.5 किलोमीटर, तो हम जाते हैं एशियन वॉक ही। इस्लामाबाद में तो एशियन वॉक काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, लेकिन अभी मरी वाला ट्राई करते हैं कि कैसे है, और आपको ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं कि एम्बियंस कैसा है और स्टाफ कैसा है और खाना कैसा है। तो हम आगे एशियन वॉक, सबसे पहले तो हमें इनकी लोकेशन ज़्यादा पसंद नहीं आई और हम अंदर बैठे हैं। तो फासिल के वहाँ भी अंदर ही बैठते हैं, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, कि यहाँ मौसम एंजॉय करना है तो हम बाहर नहीं बैठे। तो बस फिर डिसाइड हुआ कि बाहर बैठते हैं, पहले हमारा वेटर आया टेबल, और हमने एज़ यूजुअल जो ऑर्डर करना होता है, हमने यहाँ ऑर्डर किया सूप, बादाम सार सूप ऑर्डर किया, और स्टार्टर्स भी आ गए थे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्टर्स हैं। बस सूप इंजॉय करते हुए, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, और ये आ गया हमारा मेन। मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस। हाय, और हमारा था स्पाइसी गार्लिक सॉस वाला चिकन, तो ये था हमारा फ्राइड राइस। पैक करना था वो पैक कर लिया, और ये वापसी का रास्ता हमने लिया। खाना तो एज़ यूजुअल अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन हमें इसकी लोकेशन जो थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इनको चाहिए किसी ऐसी लोकेशन पे बनाएं जहाँ से व्यू अच्छा हो। यहाँ पर ये ऐसी लोकेशन पे था कि जहाँ मतलब बिल्कुल साइड पे था, जहाँ से कोई व्यू नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था। तो खाना तो इनका इस्लामाबाद में भी अच्छा होता है, यहाँ इनका स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था ये। लेकिन एक चीज़, इनकी लोकेशन मेन एक्सप्रेसवे पे है बट विद नो व्यू, मतलब कोई व्यू नहीं है, सिंपल एक जगह पे अंदर जाके आप खाना खा लेंगे। और तो 8 out of 10 टू जो मार्क्स हैं वो तो सिर्फ इनकी लोकेशन की वजह से, और हमें एशियन वॉक काफ़ी अच्छा लगता है। और हम ये वापस जा रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ थे रास्ते में, और हम ये पहुंच गए इस्लामाबाद। तो टिल देन, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस तक अल्लाह हाफिज़। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, बहुत शुक्रिया। हम ये वापस फैसलाबाद, ये भेरा इंटरचेंज पे हम खड़े, ठीक है, और अल्लाह हाफिज़।